एक स्कैम हुआ है जो स्पोर्ट्स काउंसिल और GATA डिपार्टमेंट ने मिलकर स्कैम किया हुआ है। तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, मुर्मू जी को इसमें इंटरवीन होने के लिए गुजारिश करते हैं और वक्त देते हैं इस मसले को जल्द से जल्द 7 दिन के अंदर सॉल्व करें, नहीं तो यूथ कांग्रेस इसका कड़ा विरोध रोड प्रदर्शनों पे, धरनों पे लगा के करेगी और यूथ को पूरा इंसाफ दिलाएगी। जब तक उन यूथ को ये इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये यूथ कांग्रेस तब तक धरने प्रदर्शन पे ही बैठी रहेगी और इस पर कड़ा साथ देती रहेगी उनके साथ। स्कैम ये था SRO 349 जो आप सब हमारी JNK सरकार ने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दिया गया है। उस SRO 349 के तहत कुछ जो जनरल डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर्स हैं उनको नियुक्त किया गया, ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। जबकि SRO 349 हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ है 2016 से, तो बट फिर भी उसके दौरान भी ये इसकी नियुक्ति हुई है।